السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد الثناء وردود سلامك بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ما فرماتها بسم الله الرحمن الرحيم شروط, الص... شروط الصلاة تسعة الإسلام والأقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب ما بيان فرماته شروط الصلاة تسعة نماز کے شروط نو नमाज के शुरूत नौ है तो इससे पहले हमने पहले दर्स में वाजह किया कि शर्त किसको कहते हैं और रुकन किसको कहते हैं और वाजिब किसको कहते हैं कहते हैं कि नमाज के शुरूत नौ हैं शुरूत शर्त की जमा है तो वो नौ शर्त क्या है नंबर एक अल-इस्लाम, नंबर दो अल अलअल नंबर तीन अदमीज़ नंबर चार रफ उदर नंबर पांच इजालत पाँच नजासा नंबर छः सत्रा नंबर सात दुखूल वक्त, नंबर आठ ल-क़िबला, नंबर नौ निया तो उसके बाद इन नौ शुरूत की अलग अलग से वजाहत करते हैं तो फरमाते हैं कि अशरत पहला शर्त वो है अल इस्लाम इस्लाम अल-कुफर और इसका जिद इसकी अपोजिट कुफर है तो नमाज के जो नौ शुरूत शेख इस्लाम ने बयान किए हैं उनमें सबसे पहला शर्त इस्लाम है यानी जो शख्स नमाज पढ़ने वाला हो वो मुसलमान होना चाहिए इसका मतलब यह है कि अगर कोई काफिर नमाज पढ़ेगा तो काफिर से नमाज कबूल नहीं की जाएगी और किसी भी अमल की कबूलियत के लिए यह शर्त है कि वो मुसलमान हो वो दीन इस्लाम में दाखिल हुआ हो वो दीन इस्लाम में दाखिल हुआ हो तो अल इस्लाम

नहीं की जाएगी वल्लव अमिला अयलिन अगर चु वो कोई भी अमल करे अगर चु वो कोई भी अमल करे तो उसमें नमाज भी शामिल है तो उसमें नमाज भी शामिल है तो काफिर से नमाज भी कबूल नहीं की जाएगी और कोई भी अमल उससे कबूल नहीं की जाएगी अगर काफिर सदका दे अगर काफिर आ, कोई भी नेक अमल करे तो अल्लाह सुबहानी उससे वो नेक अमल कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो इस्लाम में दाखिल न हो क्योंकि अल्लाह सुबहान फरमाते हैं इस्लाम दीनन फल युकबल जो शख्स दीन इस्लाम के बगैर कोई और दीन चाहे तो उसे वो कबूल नहीं किया जाएगा वह वो फिलहाल और वह आखरत में नुकसान जदा वालों में से होगा खसारा उठाने वालों में से होगा वील होता फरमाते हैं इसकी दलील है अल्लाह सुबहान त फरमान मकान अलमुशीनाजिद शाहिदीनाफुसि बिलकुफ्र लायक नहीं है मुशरकिन के लिए कि वो अल्लाह की मसाजिद को तमीर करे अल्लाह की मसाजिद को आबाद करे मुशरकिन के लिए ये लायक नहीं है शाहिदीन अलाफुसिम बिलकफ्र ये हालांकि वो अपने आप पर जबकि वो अपने आप पर गवाह होंगे कुफर के जब वो खुद अपने आप पर कुफर के गवाह होंगे यानी जबकि वो काफिर होंगे तो उनके लिए ये लायक नहीं है कि वो अल्लाह के मसाजदों को आबाद करें करे ये वो लोग हैं ये काफिर ये मुशरक वो लोग हैं जिनके तमाम अमालों को अल्लाह सुबह ने जया बर्बाद किया है उनके तमाम अमाल बर्बाद है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई काफिर नमाज पढ़ेगा तो उसकी वो नमाज कबूल नहीं होगी क्योंकि उसकी वो अमल बर्बाद है वह फिर नारम खालिदून और आग में भी जहन्न में वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं तो वो हमेशा हमेशा जब जहन्नम में रहेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं हुई होगी कोई भी नेक अमल उनकी कबूल नहीं हुई होगी तो ये वाजह दलील है कि किसी भी अमल के लिए शर्त है कि एक शख्स मुसलमान हो वकूता और फरमाते हैं दूसरी दलील इसकी अल्लाह सुबहान तआला का फरमान तो पहली आयत जो थी ये सूरत तोबा आयत नंबर सेवनटीन की है और दूसरी आयत जो हम पढ़ने जा रहे हैं कहते हैं वका दिलाजा अलबा मंसूरा और उन्होंने यानी काफिरू ने जो कोई भी अमल की थी इला, वमना इलामा अमीलु मिन आमिन वक़दिमना और हम बढ़ गए किसकी तरफ बढ़ गए अल्लाह सुबहान फरमाते हैं हम बढ़ गए किसकी तरफ इलामा इलाम अमिल जो कोई भी अमल उन्होंने की हम उसकी तरफ बढ़ गए और हमने उसको क्या किया और हमने उसको बना दिया हबा अन मंसूरा बिखरी हुई गर्द बिखरा हुआ जर्रा हमने उनको बनाया हवा कहते हैं जब कोई जब कोई थोड़ा सा सुराख हो मतलब खिड़की में से थोड़ा सा सुराख सुराख हो और उस सुराख से लाइट दाखिल होती हो और जब हम उस लाइट की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमें गर्द के छोटे छोटे जर्रे दिखाई देते हैं उन्हीं को हवा कहते हैं तो अल्लाह सुबहान तला कहते हैं कि इन काफिरों के अमल को हम इसी गर्द की तरफ बिखरी हुई गरद बना देंगे बिखरी हुई गुबार और बिखरा हुआ बिखरे हुए जर्रात बना देंगे तो यानी उनको वो अमाल कोई भी फायदा नहीं देगा उनको वो अमाल कोई भी फायदा नहीं देगा जिस तरह हम उन जर्रात को अगर हम हाथ से पकड़ना चाहे तो वो हाथ में नहीं आएंगे तो ये अमाल भी उनको हाथ में आने वाले नहीं है और क्योंकि ये कबूल नहीं है नंबर दो कहते हैं सानी दूसरी शर्त है नमाज की अल अक्ल। अक्ल जुनून और इसका जिद जुनून है यानी इसका जिद जुनून है यानी एक आदमी जो नमाज पढ़ने वाला हो वो अकल हो वो पागल ना हो तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स जो पागल होगा जो जुनून में होगा पागल होगा अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज कबूल नहीं है तो फरमाते हैं वल मजनून है, उससे कलम और उठाया गया है फीका यहां तक कि वो ठीक ना हो जाए वहां तक कि वो अपनी अकल में ना आ जाए तो ये मजनून जो है जो पागल हो उससे कलम को उठाया गया है इसकी इससे मुराद यह है कि आ, पागल जो कोई भी अमल करेगा उसको उससे अः नहीं किया जाएगा अल्लाह सुबहान उसको उस अमल पर नहीं पकड़ेगा अगर उसने कोई गुनाह किया होगा इसी तरह जो पागल वाजिब काम छोड़ता है तो उस पर भी उसको मुआखजा नहीं होगा उससे कलम को उठाया गया है ना ही उसके लिए सवाब लिखा जाएगा और ना ही उसके लिए गुनाह लिखा जाएगा ठीक है कलम उसके लिए उठाया गया है तो जब कलम उठाया गया है तो इसका मतलब ये है कि उससे कोई अमल भी कबूल नहीं होगी उससे कोई अमल कबूल नहीं होगी क्योंकि पागल को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है अगर वो नमाज पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है कि क्या ये ये अल्लाह अल्लाह अल्ला, सुभा, अल्ला का उसके दिल में होना कि मैं ये अल्लाह के लिए इबादत कर रहा हूँ वो तो उसके दिल में हो नहीं सकता है क्योंकि वो पागल है उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसकी दलील क्या है कि दूसरी शर्त अक्ल है कि ये नमाज पढ़ने वाला आकिल होना चाहिए पागल नहीं होना चाहिए इसकी दलील है वह दलील अल वो हदीस है जिसमें रसूल सल्लासम ने फरमाया है आन, तीन लोगों से कलम को उठाया गया है उसमें से नंबर एक है जो सोया हुआ हो जब तक कि वो जाग ना जाए तो इसका मतलब है कि अगर कोई सोया हुआ है नींद में है और उससे कोई गलती होती है तो उससे वो मरफूल कलम है या अगर उससे कोई वाजिब छूटता है नींद की हालत में तो वो मरफूल कलम है वल मजनून और दूसरा पागल है यफीका जब तक कि वो ठीक न हो जाए तो मजनून जब तक ठीक न हो जाए अपने इफाका में न आ जाए जब तक कि वो इफाका में न आ जाए तब तक उस उससे कलम को उठाया गया है वो मरफूल कलम है तो उसे कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी वह सगरू और छोटा बच्चा है जब तक कि ये जब तक कि वो बाल ना हो जाए तो अगर छोटा बच्चा है जो बालग नहीं हुआ है अगर उससे कोई गुना हुआ है तो वो मरफूल कलम है उसको उस गुनाह पर अल्लाह सुबहान पकड़ेगा नहीं उसको उस पर सजा नहीं होगी इसी तरह जो है अगर वो कोई इबादत करता है तो उस इबादत के लिए शर्त है कि वो बालग हो जाए ठीक है लेकिन मसला यह है कि क्या उसको सवाब मिलेगा तो उसके वालदेन को सवाब मिलेगा उसका सवाब इबादत का सवाब उसके वालदे को मिलेगा अगर कोई बच्चा हज करता है बलूगत से पहले ही तो अः बलूगत से पहले जब वो हज करता है तो उसका सवाब उसके वालदेन को मिलेगा जिस जिन्होंने उसको हज करवाया हो लेकिन अः होने के बाद जो इस्लाम का हज है वो उस पर बाकी है क्योंकि ये हज जो है जो बलूगत से पहले उसने किया है ये शुमार नहीं होगा ये, उस, ये उसके लिए शुमार नहीं होगा तो ये वाज दलील है कि अः नमाज के लिए जो शर्त है उसमें दूसरी शर्त है कि इंसान आकिल हो वो पागल न हो तो पागल से नमाज कबूल नहीं की जाएगी नंबर तीन अतमीज फरमाते हैं तीसरी शर्त है तमीज की जो नमाज पढ़ने वाला हो वो मुतमयज हो वो मुतमयज हो तो कहते हैं वो हो अ और इसकी जिद जो है वो छोटा छोटापन है यानी क्या मतलब है कि अगर कोई नमाज पढ़े और वो छोटा हो बच्चा हो और वो तमीज की सा, तमीज के साल तक न पहुंचा हो और उसकी हद क्या है तमीज को एक बच्चा कब पहुंचेगा जिस वक्त वो हक और बातिल में डिफरेंशिएट कर सकता है अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट कर सकता है यानी तमीज़ कर सकता है तो वो कहते हैं वहद हुसिन उसकी हद सात साल है तो उस सात साल से पहले वाले बच्चे जो सात साल से पहला पहला हो तो उसकी नमाज कबूल नहीं है तुम मयू उमारू बिस तो जब वो सात साल का हो जाएगा फिर उसको नमाज के लिए हुक्म दिया जाएगा लिकौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि उन्होंने फरमाया है मुर्रु अबना अकुम बिस्सलाति लिसब इन मुर्रु अबना अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो सात साल के हों तो इससे पता चला कि नमाज का हुक्म सात साल को देना है जब वो सात साल के हो जाए उसको कहना है कि नमाज पढ़ो तो सात साल का बच्चा जो है मुतमज बन जाता है वो फिर डिफ्रेंश कर सकता है और उनको इस नमाज पर पीटो उनको पीटो इस नमाज पर अगर वो नमाज ना पढ़े कब लशरन जबकि वो दस साल के हो ठीक है उनको पीटना है फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो वफ़र और दस, जब दस साल के हो उसी वक्त जो है उनको मबाज यानी बिस्तर जो है उनके अलग कर दो अगर दो बच्चे हैं तो दो बच्चों को फिर एक ही बिस्तर एक ही लिहाफ में न सुलाओ ठीक है उनके लिए अलग अलग बिस्तर करो क्योंकि वो अब दस साल के हो गए हैं और बलुगत के करीब हैं तो जब वो बालिग हो जाएगा उस पर फिर नमाज फर्ज है वाजिब है लेकिन अगर दस साल का अभी बालिग नहीं हुआ है तो उस पर भी नमाज फर्ज नहीं है उस पर भी नमाज वाजिब नहीं है लेकिन फिर भी उसको ये सात साल जब वो सात साल का हो जाए उसको हुक्म देना है नमाज पढ़ने का तो उसको बार बार कहते रहना है लेकिन जब दस साल का हो जाए अगर फिर भी ना पढ़े तो उसको फिर पीटना है क्यों ताकि जब वो बालिग हो जाए वो नमाज पढ़ने का आदि हो चुका होगा तो जब बालग हो जाए उस वक्त ऐसा ना हो कि बलुकत के बाद वो नमाज छोड़े और वो गुनाह का मरतकब हो जाए तो यह हदीस जो है ये सही हदीस है इसको इमाम अबू दाऊद ने अपनी किताब में लाया है हदीस नंबर इसी तरह सुनन अन्नसाई में है हदीस नंबर थ्री फोर थ्री टू और उसके बाद शेख उमह तयान करते हैं अशरत चौथी शर्त नमाज की चौथी शर्त है रफ़ उलहद हदस को दूर करना हदस को दूर करना और हदस को दूर करना हदस को किस से दूर किया जाएगा कहते हैं वह मारूफ और वह मारूफ वजू है और वह मारूफ वजू है तो हदस जो है हदस किस को कहते हैं हदस को दूर करना हदस कहते हैं कुल जिन में न सबी जो कुछ भी इंसान के दो रास्तों से निकलता है दो शर्मगाह से निकलता है जो दो रास्ते हैं इंसान के जो कुछ भी उनसे निकलता है तो उसको हदस कहते हैं और जो कुछ भी इन दो रास्तों से निकलता है तो उससे वजू टूट जाता है ठीक है फिर उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए वजू करना वाजिब बन जाता है लाजिम बन जाता है तो वो शर्त है तो फिर वजू करना शर्त है जो कुछ भी इन दो रास्तों से निकल जाता है तो हदस जो है हदस की दो किस्में हैं नंबर एक हदस असगर। असगर को कहते हैं जो कुछ इन दो रास्तों से निकलता है दो शर्मगाहों से निकलता है लेकिन जिससे सिर्फ वजू वाजिब होता है जिससे जिस सिर्फ वजू वाजिब होता है जो सिर्फ वजू को वाजिब करता है जैसे कि जब एक इंसान कज़ा हाजत करता है तो जब वो पेशाब करता है तो उससे वो वो हदस में दाखिल हुआ उससे हदस वाक़ हुआ तो फिर उसको नमाज पढ़ने के लिए लाजमी वज़ू करना है इसी तरह जो इसी तरह जब किसी शख्स से हवा खारिज होती है तो ये वजू को वाजिब करता है तो इस हवा खारिज होने को भी हम हदस कहेंगे और ये हदस अक्सर है इससे सिर्फ वजू वाजब होता है दूसरा कस्म है अकबर बड़ा हदस और वो ऐसा हदस है जो इन दो जगहों से खारिज होता है लेकिन वो सिर्फ वज़ू को वाजिब नहीं करता बल्कि वो गसल को वाजिब करता है वो गसल को वाजिब करता है यानी अगर किसी शख्स को फिर नमाज पढ़नी हो तो उसके लिए उस पर लाजमी है कि वो गसल करे जैसे कि अगर जैसे कि जब एहतलाम होता है या जनाबत की हालत में कोई होता है या औरत औरत हैज़ की हालत में हो या निफास की हालत में हो तो ये दो इन शर्मगाहों से जो ये निकलता है मर्द या औरत दोनों में तो ये ऐसी चीज़ें हैं मनी का निकलना या हैज़ का होना या निफास का होना तो ये गसल को वाजिब करता है तो ये गुसुल को वाजिब करता है उसको हदसुल अकबर कहते हैं तो चौथी शर्त है रफ़ हदस इसी हदस को दूर करना इसी हदस को दूर करना तो वो किससे दूर होगा वो, वो वुदू से दूर होगा या अलगुल या गुसल से दूर होगा जिस पर गुसुल वाजब हो गया हो वह मुजिबह अलहदफु वो अलहदफ और उसको वाजिब करने वाला हदस है यानी वजू को वाजिब करने वाला यही हदत है जिसकी ये दो किस्में हैं, जो हमने बयान की है जिसकी ये दो किस्में हैं, जो हमने बयान की है तो अब उसके बाद डायरेक्ट शेख तआला वजू की शुरूत की तरफ आते हैं कि वजू के कितनी शुरूत हैं, ठीक है पहले नमाज के शरूत हम पढ़ रहे हैं तो चौथे शर्त पर जब हम पहुंचे अशरतराब तो कहते हैं कि चौथा शर्त है रफ हदस किसी हदस को दूर करना और वो क्या है और वो है वजू करना इसी से हदस दूर हो जाएगा या गुसल करना फिर जो है शेख इस्लाम फिर उसके बाद पांचवी शर्त को वहीं पे छोड़ते हैं लेकिन पहले अः वजू के शुरूत बयान करते हैं कि वुजू के कितने है? शुरूत हैं वह शुरू तो अशरतुल कहते हैं कि वजू के दस शर्त है वजू के दस शर्त है इस्लाम ये तो पहले भी आया नमाज के शुरू में भी तो दलील सेम है अक्ल। और ये भी उसी में आया और दलील सेम है तमीज। और ये भी तीसरा शर्त है नमाज के शुरू में और इसमें भी दलील जो है वो एक ही है वीयत चौथी जो है चौथा शर्त जो है वो नीयत है चौथा शर्त नीयत है तो वज़ू के लिए शर्त है कि एक इंसान जब वजू करे वो नीयत करे वो नीयत करे कि मुझे वजू करना है और नीयत का की जगह जो है दिल है जुबान से नीयत करना जायज नहीं है जुबान से नीयत करना बिदत है बल्कि इसकी जगह दिल है तो जब एक इंसान उठता है वजू करने के लिए तो वो दिल में ये नीयत करता है मैं नवाज के लिए वजू कर रहा हूँ तो मैं ये पाकि हासिल कर रहा हूँ जैसे कि रसुल्लम का फरमान है, है तो नीयत शर्त है बल्कि हर एक नीयत शर्त है नंबर चार कहते हैं नंबर पांच उसके साथ साथ वस्त हुक् वस्तु हुक् और इसी नीयत को साथ रखना इसी नीयत को साथ रखना यानी इब्तदा से लेके इंतहा तक नीयत बराबर होनी चाहिए वजू की यानी कि शख्स जो वजू करने वाला हो ये इस नीयत को बिल्कुल आखिर तक अपने साथ रखे आखिर तक इसको जब ये वजू खत्म करे तब तक जो है नीयत होनी चाहिए वजू की और ऐसा नहीं होना चाहिए बेअल्ला कि वो वजू को काटने की नीयत करे हता जब तक कि तहारा मुकम्मल ना हो जाए यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स वजू कर रहा है उसने वजू की नीयत की मैं वजू कर रहा हूँ लेकिन उसने अभी चेहरा धोया है और चेहरे धोने के बाद उसे लगा है कि मैं अभी वजू नहीं करूंगा वो हमाम से बाहर निकलता है इस नीयत से कि मैं यहीं पे छोड़ूंगा मैं बाद में वजू करूंगा ठीक है तो ये नीयत जो है बीच में ही मुनक हो गई ये कट गई बीच में ही मुनकता हो गई तो जब ये मुनकता हो गई तो इसका मतलब है अगर उसके बाद उसने फिर का फिर उसके जहन में आया नहीं अब मैं करूंगा नहीं अब मैं मुकम्मल वजू करूंगा तो जब उसके जहन में यह आया कि अब मैं मुकम्मल वजू करूंगा तो उसने चेहरा धोया था तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो पहले से ही वज़ू करे तो अगर उसने चेहरे के बाद शुरू किया तो वो वजू दुरुस्त नहीं होगा इसलिए कहते हैं वस्तु उसके हुक्म को साथ में रखना यानी इब्तदा से लेके इंतहा तक वो आ, जब वजू खत्म करे तो तब तक जो है वजू की नीयत बरकरार होनी चाहिए वन इन और उसके साथ साथ नंबर पांच कहते हैं नंबर एक है इस्लाम नंबर दो तमीज नंबर तीन और नंबर चारा इस्त, और उसके बाद नंबर छ और नंबर एक दो तीन चार पाँच और नंबर छः इनकूजिन इनकूजिन के आ, जो चीज वज़ू को वाजिब करती हो उसका इनकता ये एक और शर्त है वजू के लिए जो चीज वजू को वाजिब करती हो उसका इनकता जैसे कि जब कोई शख्स कजा हाजत करता है तो पिशाब की वजह से उसका वजू वाजिब होता है ये पेशाब उसके वजू को वाजिब करता है तो एक शर्त यह है कि जब वो वजू शुरू करे तो वो इस खजाए हाजत से उसने इस कजा हाजत से अः ये पूरी तरह से जो है मुकम्मल किया हो कजाए हाजत ऐसा नहीं है कि वो कजाए हाजत कर रहा हो अभी कजा हाजत में ही हो और यहाँ से भी वो वजू करना भी शुरू करे कोई शक मकर पेशाब कर रहा है और यहाँ से वजू वजू कर रहा है नहीं जो मूजब मु, है जो इस वजू को वाजिब करता है ये शख्स जो है उससे मुन होना चाहिए यानी उससे जो है ये फारिग हो चुका हो हो गया हो उससे यह फारिग हो गया हो तो जब वो फारिग हो गया हो उसके बाद वो वजू करे लेकिन वजू करने से पहले शर्त एक और है वो है वल इस्तिंजा व इस्तिंजा उन व इस्तिजमार कबल वजू से पहले वजू से पहले इस्तिंजा या इस्तिजमार तो जब एक इंसान कजाए हाजत से फारिग होता है तो उसके लिए जरूरी है कजाए हाजत के बाद इस्तिंजा करना पानी से उस जगह को साफ करना और इस्तिज्मार या इस्तिजमार करना मिट्टी से या पत्थर से उस जगह को साफ करना तो जब इस्तिजमार करे मिट्टी से या पत्थर से उस जगह को साफ करे तो कम से कम तीन पत्थर इस्तेमाल करे तीन मिट्टी के टुकड़े इस्तेमाल करे तो तीन से कम इस्तेमाल ना करे कम से कम तीन इस्तेमाल करें जैसा कि हदीस में आया है। तो ये हर जब भी कोई शख्स जो कजाए हाजत करे तो उसके लिए जरूरी है कजाए हाजत के बाद उस जगह को साफ करना उस जगह को पाक करना या तो पानी से या पत्थर अगर पानी ना हो तो पत्थर या मिट्टी से पाक कर सकता है लेकिन अगर वजू टूटता है हवा खारिज होने की वजह से हवा खारिज होने की वजह से अगर वजू टूटता है तो उसके लिए इस्तिंजा या इस्तिजमार वाजिब नहीं है उसको इस्तिजमा या इस्तिजमार इस्तिंजा की जरूरत नहीं है उसके बाद कहते हैं वह तुहरी या तुमा एक और शर्त है इन दस शुरूत में से वजू के दस शुरूत में से एक और शर्त है कि मा आ पा, पानी का पाक होना हुरियतुलमा पानी का पाक होना तो इसका मतलब है कि अगर कोई नजिस पानी से वजू करे तो उसका वजू दुरुस्त उसका वजू दुरुस्त नहीं है उसका वजू दुरुस्त नहीं है उसके बाद कहते हैं व इबाह और उसका मुबाह होना तो यमा इन व इबाह इसने एक ही शर्त शुमार की है एक ही शर्त शुमार की है ठीक है तो पानी का पाक होना लाजिम है उसके साथ साथ ये कहते हैं वह इबाहत हो और उसका मुबाह होना लाजिम है यानी कि पानी मुबाह हो यानी ये पानी जिसे वजू कर रहा है ये इसने चोरी नहीं किया हो या किसे छीन कर पानी न पानी न लाया हो और उसे वजू करेगा हालांकि ये मसला जो है ये इख्तलाफ़ी मसला है और इसमें सही कौल यही है कि अगर कोई छीने हुए पानी से वजू करेगा उसका वजू तो ठीक है उसका वजू दुरुस्त है लेकिन छीनने का गुना अलग है अगर कोई चोरी का चुपानी चोरी करेगा और उसे वजू करेगा चोरी का गुना अलग है लेकिन वजू दुरुस्त है यही सही है लेकिन आ, आ, इनके नजदीक मोहम्मद बिन अब्दुल तआला के नजदीक चोरी का पानी नहीं होना चाहिए पानी मुबाह होना चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर आ, पानी चोरी का हो या गसब किया हुआ पानी हो तो उससे वजू दुरुस्त नहीं है

जो पानी को अः सिकिन तक पानी को जिल्द तक पहुंचने से रोके जैसे कि किसी के हाथ पर मिट्टी लगी हो खुशक मिट्टी हो तो जब वो वजू करेगा तो वो मिट्टी पा, पानी मिट्टी को लगेगा और वो हाथ पर हाथ तक नहीं पहुंचेगा या अगर किसी को आ, किसी को जो है तारकोल लगा हो हाथ पे हाथ के ऊपर तो आ, पानी जो है तारकोल के नीचे नहीं चला जाएगा इसी तरह जो औरत नेल पॉलिश पहन लगाती है तो नेल पॉलिश जो है रोकती है पानी को नाखून तक पहुंचने से तो ये शर्त है कि वो सब चीजें जायल की जाए जो पानी को जिल्द तक पहुंचने से रोके तो इसका मतलब यह है कि पानी जिल्द तक पहुंचना चाहिए नाखून तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए जरूरी जो वजू के लिए जो आजाद होना जरूरी है उन आजा तक पानी पहुंचना चाहिए लेकिन अगर किसी ने मेहंदी मिली हो तो मेहंदी से जो हाथ मेहंदी उठाने के बाद जो हाथ में रंग लगा हो तो वो रंग होता है सिर्फ आ, वो पानी को हाथ तक पहुंचने से नहीं रोकता वो पानी को हाथ तक पहुंचने से नहीं रोकता इसी तरह अः एक और शर्त बयान करते हैं वो दुखुल अलामन आखिरी शरत बयान करते हैं कि आ, आ, वक्त का दाखिल होना यानी वक्त दाखिल होना चाहिए लेकिन ये वक्त का दाखिल होना उसके लिए है जिसका हदस दायम हो जिसका हदस दायम हो मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है किसी को बोल की बीमारी है बोल की बीमारी है यानी उसको लगातार पिशाब का कतरा चलता रहता है निकलता रहता है पेशाब का कतरा इसका हदस दायम है इसका हदस दायम है लगातार या किसी का किसी को हवा खारिज होती है और वो हवा उसको लगातार खारिज होती है वो रुकती नहीं है और वो उस पर काबू भी नहीं पा सकता है तो इसका हदस दायम है तो इस शख्स के लिए जरूरी है नमाज पढ़ने के लिए कि उस फर्ज के लिए जो फर्ज उसको पढ़ना है उस फर्ज का वक्त दाखिल होना चाहिए फिर वो वक्त दाखिल होने के बाद वजू करेगा और उसके बाद नमाज पढ़ेगा अगर नमाज के दौरान भी उससे पेशाब का कतरा खारिज हुआ या हवा खारिज हुआ तो उसकी नमाज दुरुस्त है वो उस वक्त माज़ूर है और उजुर के लिए उसकी नमाज जो है दुरुस्त है उसकी नमाज बातिल नहीं होगी क्यों क्योंकि वो माज़ूर शख्स है उसको कुदरत नहीं है तआला किसी नफ्स को वो बार नहीं डालता जिसका उसको उठाने का ताकत न हो तो ये इस वजू के शुरूत बयान किए हैं और उसके बाद उसके फरूज बयान करते हैं जो वजू के फर्ज है इनशा तगले दर्स में वल्ला खलक ही मुहमद वही वसलम